अंकल मेरा हाला खट्टा बनाना है। मेरा ऑरेंज बनाइएगा और मेरा गोला इससे बड़ा होना चाहिए। नहीं, मेरा दीदी से भी बड़ा चाहिए। मिष्टी जी आ गई, वो देखेगी तो माँ को बोल देगी। चल छुपते हैं। अच्छा, वो चली गई। लीजिए भैया, रुक, इधर से जाएंगे तो मिष्टी दीदी देख लेंगी। इधर से चलते हैं। मासूमियत इंसान का गहना होती है। यह हमें आखिर तक अच्छा इंसान बने रहने में मदद करती है। लेकिन अगर कच्ची उम्र में बच्चों के साथ या उनके सामने कोई हादसा हो तो उसका घात सीधे उनकी मासूमियत पर होता है और उसका असर बहुत लंबे समय तक रहता है। या यूं कहें कि अगर सही वक्त पर या सही तरीके से इलाज न हो तो इसका असर ताउम्र रहता है। क्या इस आघात से बच्चे अपने परिवार की मदद से उबर पाएंगे? इनका परिवार किस तरह की मदद कर पाएगा? या ऐसा कुछ होने वाला है जो हम लोगों के लिए अकल्पनीय है? सच्ची घटना पर आधारित, करीबी रिश्तों को खोलकर उन्हें झकझोर के रख देने वाली आज की कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। क्या हुआ रोनी, फिर से सपना देखा? बेटा वो सब भूल जाओ, कुछ भी नहीं था वो। कम ऑन रोनी, तुम ही तो एक स्ट्रांग बॉय। लगता है मेरी चैंपियन की सारी पावर चली गई, कमजोर पड़ गया। एक काम करते हैं, कल के व्लॉग में इसकी फेवरेट डिश बनाते हैं, वो खा के इसकी पावर लौट आएगी। गुड आइडिया। लेकिन हम क्या बनाएंगे, क्योंकि रोनी तो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो कौन सी फेवरेट डिश बनेगी इसकी? कोशा मांगशु। हेलो फ्रेंड्स, सुदीपास किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं कोशा मांगशु। मुझे पता है इस डिश का नाम सुन के ही आपके मुंह में पानी आ गया होगा, लेकिन ये डिश है ही ऐसी। न सिर्फ बंगाल में बल्कि पूरे विश्व में इस डिश को बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इसके इनग्रीडियंट से। हमारा कोशा मांगशु। अगर आपको भी हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। वाओ, गुड वर्क माय टीम। लेकिन तुम्हारे बाबा अभी तक नहीं आए, अभी तक तो उनको आ जाना चाहिए था ना? हाँ बोलो। हेलो अमित, कब तक घर आओगे? अरे कहा ना, अर्जेंट मीटिंग में हूँ मैं। हाँ फ्री होके फोन करता हूँ मैं। अरे तुम लोगों ने अभी तक खाना नहीं शुरू किया? चल। लकड़ी का टेबल। आंटी खाने में क्या बना हुआ है? कोशा मांगशु, खाओगी? हाँ। सुष्टि, ये लो मेरी चीज। रूपा दीदी, पता है आज क्या बनाया? कोशा मांगशु। सुदीपा, तू तो पत्थर भी पकाएगी ना, उसमें भी स्वाद आ जाएगा। क्या दीदी? अच्छा सुन सुदीपा, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। कब मिल रही है? कल चलेगा?
बाय। एक राजा था बहुत बड़ा, उसके पास ना बहुत बड़ी तलवार थी और वो ना सबको मार देता था। पर डॉली, ये स्टोरी में तो कोई राजकन्या है ही नहीं, एक क्यूट प्रिंसेस हमारी तुष्टि जैसी, और राजकुमार भी नहीं है हमारा, हाँ। रानी जैसा। नेक्स्ट टाइम ना प्रिंस और प्रिंसेस को मैं बुलाऊंगी अपने स्टोरी में। हम वेट करेंगे। बाय। नेक्स्ट टाइम प्रिंस रॉनी और प्रिंसेस तुष्टि। बाय आंटी। बताइए ना क्यों बुलाया। अरे बताती हूँ, पहले ये तो बता बच्चे कैसे हैं। बच्चों का तो आप पूछिए ही मत, दिन भर इधर से उधर भाग दौड़। और अमित का बिजनेस कैसा चल रहा है? दीदी उनका बिजनेस थोड़ा नरम गरम चल रहा है। तेरे जमाई बाबू इतनी बड़ी प्रॉपर्टी छोड़ के चले गए, पर बच्चा ही नहीं है तो प्रॉपर्टी का क्या करें? एक बात बोलू, अगर मैं तेरी जिम्मेदारी कुछ कम कर दूं तो तू तुष्टि मुझे दे दे, मैं संभाल लूंगी उसे। कैसी बात कर रही है दीदी, सारे बच्चे आप ही के तो हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अगर तुष्टि को मैं लीगली अडॉप्ट कर लूं तो? तू अपनी दीदी के लिए इतना नहीं कर सकती। दीदी मैं अपने बच्चों को किसी को भी नहीं दे सकती, आपको भी नहीं, सॉरी। अरे शुभ्र को बच्चे बहुत पसंद है ना, तो इतना इंतजार क्यों करवा रही है? तू तो जानती है ना कि मेरे लिए करियर कितना इम्पोर्टेंट है। ओहो, somebody is looking very sexy. काश मैं भी आपकी तरह सेक्सी होती ना आंटी। मिष्टि की बोल छो, खबरदार मेरे सामने ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करना। सॉरी माँ। कहाँ जा रही हो? रीनार बाड़ी थे, नए चैप्टर्स के नोट्स लेना। तो रीना का नंबर देख कर जाओ मुझे। आपके मोबाइल में सेव है नंबर, अखन जाओ। जाओ लेकिन जल्दी आना। हाँ बाय। बाय बाय मिष्टि। रीना। अरे रीना नहीं राना, तुम मेरा जेंडर क्यों चेंज कर रही हो? अरे आई वॉज जस्ट किडिंग, माँ के बोली थी रीना से मिलने जा रही हो। पता है कल हमारे अफेयर की ना फर्स्ट एनिवर्सरी है, तो मैं ना तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। ओ थैंक यू। अब मेरा रिटर्न गिफ्ट। कम ऑन यार, अपने बॉयफ्रेंड को एक किस नहीं दे सकती हो? वैसे भी आज हमारे एनिवर्सरी का फर्स्ट डेट है, एक किस। मम्मी मुझे भूख नहीं है। रा लाख कोई मामूली रकम नहीं होती अमित, ये जो मेरे लड़के हैं ना वो 15,000 के लिए मर्डर तक कर देते हैं। और सुन, अगर कल सुबह तक मुझे मेरे 15,00,000 नहीं मिले तो कल सुबह का सूरज निकलेगा तो जरूर, लेकिन तेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही होगा। उठा के फेंक दो इस कचरे को। चल। हेलो अमी आशी। अमित, अमित मुझे आपसे कोई जरूरी बात। बाबा, बाबा क्या हुआ तुम्हें? बाबा ठीक है ना? मिस्टर बेटा,
अभी तुम मुझे जो अपने हाथों से दवा लगा रही थी ना, तो मुझे बिल्कुल पेन नहीं हो रहा था। बचपन में जब मुझे चोट लग जाती थी और मेरी माँ मुझे दवा लगाती थी, तब भी मुझे पेन नहीं होता था। तेरे हाथों ने ना मुझे माँ की याद दिला दी। मेरी माँ तो मुझे छोड़ के चली गई, लेकिन तू मुझे छोड़ के मत जा। नहीं बाबा, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपको कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी। नारियल पानी वाला। बाबा तुम ही डॉक्टर की कथा सुनो और आज से जूस नारियल पानी जैसे अच्छी चीजें पीना शुरू कीजिए। ठीक है माता जी, आज से मैं रेगुलर जूस पीऊंगा। ओके। आय वाह, उधारी के पैसे से यहाँ पार्टी हो रही है। क्या कहा था मैंने, सुबह तक मुझे मेरे 15 लाख वापस मिल जाने चाहिए। कहाँ है मेरे पैसे, कहाँ है? अरेंज कर रहा हूँ। अरेंज कर रहा है? अब देख तेरी इस गलती की सजा किस किस को मिलती है। ए, उठा लो बच्चों को। नहीं, आपके बच्चे पैसों के लिए मैं प्लीज 24 घंटे का समय दे दीजिए। 24 घंटे के अंदर मुझे मेरा पैसा मिल जाना चाहिए। और हाँ, कोलकाता छोड़ के जाने की सोचना भी मत। चलो जो हो गया वो हो गया, अब हमें कुछ हल तो निकालना पड़ेगा ना। सुदीपा, मैं भी अपने बच्चों की जिंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं 15 लाख रुपए लौटाऊंगा कैसे। मैं दीदी से बात करती हूँ। थैंक यू दीदी, आपके अलावा ऐसी हेल्प मैं किसी और से नहीं ले सकती। भगली, मेरे होते हुए तुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये ले, और इस पर भी साइन कर देना। ये क्या है दीदी? मैं तुष्टि को कानूनन गोद लेना चाहती हूँ। मेरी मजबूरी का फायदा उठाकर आप मेरी बेटी को मुझसे खरीदना चाहती हैं? तुझे जो ठीक लगता है तू समझ ले। दीदी आप इतना गिर जाएंगे मैंने नहीं सोचा था। आपको दीदी कहने में शर्म आ रही है मुझे। अब किंग की स्टोरी में आएगा एक नया हैंडसम प्रिंस। ये उसकी क्यूट प्रिंसेस। डॉली ऐसे स्टोरी नहीं बना सकती ना। माँ कहाँ थी आप? खाने के लिए कब से वेट कर रहे हैं? चल खाना खाते। मिष्टि कहाँ? दी को किसी का कॉल आया फिर वो कहीं चली गई। चली गई? मिष्टि चली गई? 9:30 हो रहे हैं, इस समय कहाँ चली गई? मैं फोन लगाता हूँ उसको। हेलो बाबा, बाबा प्लीज मुझे बचा लो प्लीज बाबा। मिष्टि बेटा क्या हुआ? हेलो मिष्टि कहाँ हो तुम? किसी मुसीबत में हमें चलना होगा। क्या बात कर रही हो? एक मिनट। हेलो पुलिस स्टेशन सर, मिष्टि की लास्ट लोकेशन यही कहीं है। हाँ सर, ये तो वही लड़की है मिष्टि घोष। खून अभी अभी हुआ है और मोबाइल भी अभी अभी बंद हुआ है। हो सकता है कि कातिल जो है यहीं पर आसपास, और ध्यान से चेक करना उसके पास हथियार भी हो सकता है। मिष्टि का कोई दुश्मन था, किसी पे शक है आपको, या जिससे मिलने जा रही थी उसके बारे में कुछ पता है आपको? हमें किसी पर कोई शक, हमारा कोई दुश्मन नहीं,
अब समझ नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे। सर आपको लगता है ये आदमी सच बोल रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है कोई झूठ बोल रहा। इनकी फैमिली हिस्ट्री निकालो, हो सकता है कोई क्लू मिल जाए। सर मैंने मिस्टी का मोबाइल स्टडी किया, उसका एक बॉयफ्रेंड राणा लगातार मिस्टी के टच में था। मिस्टी ने राणा को जो लास्ट मैसेज भेजा था उसने ये लिखा था कि किसी भी कीमत पे इस वीडियो को वो वायरल होने नहीं देगी, और उसने ये भी लिखा था कि बीजान और उसके दोस्तों का कहना वो मान चुकी है। इस वीडियो में क्या सब पता नहीं चल पाया, लेकिन लग रहा है कि कुछ प्राइवेट मोमेंट्स है। और ये बीजान कौन है? सब पता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मिस्टी के बॉयफ्रेंड राणा को बुला के लेके आ, वो ये क्लियर कर पाएगा इस वीडियो में क्या। राणा मुखर्जी है ना ताकि? हाँ, वो अपने कमरे में है, लेकिन आप लोग यहाँ क्या हुआ है? चलिए दिखाइए कौन सा कमरा है। और वो दरवाजा भी नहीं खोल रहा है, देखिए ना सर। राणा महेंद्र मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है। मुझे मिस्टी को किस नहीं करना चाहिए था। अगर मैं किस ही नहीं करता तो बिजान हमारी वीडियो रिकॉर्ड नहीं करता। ओ लैला मजनू, क्या चल रहा है ये सब? हाँ खुली आम कुछ भी करोगे? अरे अरे रुक जाओ, अपनी फिल्म ही दिखोगे? देखो देखो मजे करो, ज्यादा शाना बन रहा है। प्लीज इसे इसे डिलीट कर दो। अरे ऐसे कैसे डिलीट करो, इसको तो हम वायरल करेंगे इंटरनेट पे। प्लीज दादा ऐसा मत करो। हमें दादा मत को अच्छा नहीं लगता, बिजान को बिजान। बिजान भाई साहब प्लीज आप इसे डिलीट कर दो और हमें जाने दो। अच्छा ठीक है डिलीट करता हूँ मैं इसको, लेकिन जैसे तूने इसका प्रसाद खाया वैसे मुझे भी खाना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ वीडियो वायरल करो इंटरनेट पे। चलो यहाँ से, पकड़ इसको, छोड़ो उसे। मिस्टी भागो, मिस्टी भागो, मिस्टी भागो। कहाँ तक बचाएगा उसे? देख समझदारी इसी में, तू अपनी गर्लफ्रेंड को समझा और बोल दे अपनी गर्लफ्रेंड को कि मेरे पास आ जाए। अगर वो नहीं आई ना तो ये वीडियो मैं वायरल कर दूंगा इंटरनेट पे। आखिर मिस्टी ने मान ही ली उस गंदे बिजान की बात। मुझे लगता है बिजान और उनके साथियों ने ही मिस्टी की ऐसी हालत की होगी, मेरी वजह से ही ये सब कुछ हुआ। आई एम सो सॉरी मिस्टी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है इसीलिए मैं जान देने जा रहा हूँ। आई एम सॉरी राणा। मिस्टी ना, दीदी तो दो दिन पहले ही मिस्टी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। गला रेतने की वजह से विंड पाइप डैमेज हुआ, उसी की वजह से मिस्टी की मौत हुई। एक और बात सर, मिस्टी को मॉलेस्ट किया गया था, उसके साथ रेप नहीं हुआ था। सर हो सकता है हत्यारा डर गया हो, मेरा मतलब वो कोई शातिर अपराधी ना हो करके, कोई एमेचर हो। पॉसिबल है सर, ऐसे भी हो सकता है कि मौका वारदात पे किसी चीज की आवाज आई हो, डर के भाग गया हो। दो टीन्स की मौत हुई है, एक का मर्डर और मॉलेस्टेशन हुआ और दूसरे ने सुसाइड किया। सुसाइड की तो वजह है हमारे पास, लेकिन मर्डर की वजह नहीं है हमारे पास। या तो हम वजह ढूंढ कर कातिल तक पहुंचे, या फिर कातिल को ढूंढे और वजह पता करें, यही दो ऑप्शंस हैं हमारे पास। सर सर रूपा
तुम्हारी नजर लग गई मेरी फैमिली को। तुम मुझसे मेरी तुष्टि को खरीदना चाहती थी ना? मैं तुम्हें अपनी बेटी के किसी संस्कार में शामिल नहीं होने दूंगी। गेट आउट, निकल जाओ यहां से, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के निकाल दूंगी। रूपा मासी, एक तो मेरी मां मुझे आप ही को क्या किसी को भी नहीं बेचती, और अगर आप बहला फुसला के मुझे अपने साथ ले भी लेती तो भी मैं आपके साथ कभी नहीं आती और ना ही कभी आपको अपनी माँ कहती। आई हेट यू। सर, मिस्टी के सारे फैमिली मेंबर्स के बारे में हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। मिस्टी के पापा अमित के बारे में एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है। ये अमित पक्का जुआरी है और इस जुए के चक्कर में उसके लाखों के कर्जे हो गए हैं, और उसी कर्जे की वजह से किसी ने उसे धमकी भी दी है। की प्रोबे, हमें किसी भी एंगल को जो है नजरअंदाज नहीं करना, और उससे कहो मुझसे आकर मिल। राइट सर। माँ, इतने सारे लोग आपके वीडियो का वेट कर रहे हैं, आप फिर से वीडियो डालना स्टार्ट कर दीजिए। मिष्टी के कहने पर मैंने वीडियोस बनाना शुरू किया था, अब मुझसे नहीं होगा। मिष्टी दीदी अगर ऊपर से देख रही होंगी तो उन्हें कितना बुरा लग रहा होगा कि आपने वीडियोस बनाना बंद कर दिया है। माँ एक बात बोलूँ, हम मिष्टी दीदी के नियम भंगों के दिन उनकी सारी फेवरेट डिशेस बनाते हैं, और अपने व्लॉग के जरिए उनको याद करना लोगों को अच्छा लगेगा। आपने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई? क्या आप पर इतना ज्यादा कर्जा है, लोग आपको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं? सर, मैंने सोचा इन लोगों की अगर मैं शिकायत करूंगा तो ये कहीं मेरे बच्चों को छोड़ेंगे नहीं ये लोग। तो आपको क्या लगता है यही लोग इन्वॉल्व? जी हाँ सर, हो सकता है सर। जिसने भी आपको कर्जा दिया, जो आपको धमकाने की कोशिश कर रहा, उसका नाम और नंबर दीजिए। जी सर, लगता है यासिर भाग गया। हेलो एवरीवन, आप लोग बहुत दिनों से मेरे वीडियोस का वेट कर रहे होंगे। शायद आप जानते हो मेरी बेटी मिष्टी, जिसकी वजह से मैंने ये कुकिंग के वीडियोस बनाना शुरू किए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। जब कोई हमारा अपना, हमारा करीबी, हमारा रिश्तेदार हमें छोड़कर भगवान को प्यारा हो जाता है तो हम उसके लिए शोक करते हैं। आज मिष्टी के नियम भंगन पर हम उसके पसंद की सारी डिशेस बनाएंगे, तो आइए शुरू करते हैं। मेरे परियों की कहानी में राजकुमारी भी अपने सबको खाना देगी, सबका दिल जीतेगी, और सबको ये आके बोलेंगे कि राजकुमारी ने बहुत अच्छा खाना बनाया। पकड़ लिया, मुझे भी खेल ले। नहीं, तुम बेईमान और बैड गर्ल हो। बैड गर्ल? मैं बैड गर्ल नहीं हूँ, मैं तो गुड गर्ल हूँ। मैं तो स्टोरी बनाती हूँ, तुष्टि बैड गर्ल है। हाँ, मेरा किंग बेस्ट है, मुझे नहीं खेलना। चल उसको छोड़ना, अब तू डेन देगा और मैं छुपूंगी। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, मैं आ रहा हूँ। तुष्टि दी, कहाँ पर हो आप? तुष्टि दी, माँ, माँ, मैं और तुष्टि दी खेल रहे थे और अचानक से तुष्टि दी गायब हो गई। गायब हो गई मतलब? देखो अच्छे से यहीं कहीं छुपी होगी। मैं आधे घंटे से ढूंढ रहा हूँ, कहीं नहीं मिली। चलो, तुष्टि, वहाँ पर, तुष्टि। सुदीपा, तुम यहाँ देखो, मैं बाहर देख कर आता हूँ। हाँ, तुष्टि, यहाँ पर, तुष्टि, तुष्टि। क्या हुआ, कहाँ ना बिजी हूँ मैं। तुष्टि नहीं मिल रही है। मैंने सब जगह देख लिया लेकिन वो कहीं नहीं मिल रही है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है मुझे। हेलो नैना, नैना तुष्टि नहीं मिल रही है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, तुम प्लीज जल्दी आ जाओ। हाँ, शुभ्र तो भी यहीं पर है। सुदीपा, बाहर भी सब जगह पे देखा, तुष्टि कहीं पे भी नहीं है।
पहले हमारी मिष्टी के साथ ऐसा हो गया और अब तुष्टि गायब है सर, ये हमारे साथ क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। प्लीज हमारी तुष्टि को ढूंढ लीजिए। बेटा किसी अनजान आदमी को देखा था तुमने? नहीं। कोई सस्पिशियस आदमी जो तुष्टि से बात कर रहा हो? हाँ, डॉली दीदी आई थी और हमने उन्हें भगा दिया। ये डॉली सर पड़ोस में रहती है, बच्चों के साथ खेलने के लिए आती रहती है, वैसे बड़ी है पर दिमाग बच्चों वाला है सर। राजनी सर, रोनी को बाहर लेके जाओ जहाँ पर ये लोग खेल रहे थे, वहां पर छानबीन कर। सर सब जगह देख लिया अच्छे से, तुष्टि कहीं नहीं है। आसपास कोई सीसीटीवी? नहीं सर। तुष्टि के फोटोग्राफ्स को आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजो और जितनी भी सड़कें हैं गाड़ियां हैं नाकाबंदी करवा था। इस घर में एक मर्डर पहले ही हो चुका है, ये कांड अफोर्ड ना दबा। ठीक है, मैं अपनी टीम को भेज रहा हूं, आप सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके ड्राइवर और डेड बॉडी को हमें हैंड ओवर कर दीजिए। क्यूज मी जी जी जी। देखो आई एम सॉरी बट हमें तुष्टि की डेड बॉडी मिल गई। संभालिए रोनी। जिस बात का डर था वही हुआ, सुदीपा की एक और बेटी की हत्या कर दी गई। क्या होगा, क्या ये घिनौना खेल अब रुकेगा? क्या एक माँ अपने बिखरते हुए परिवार को बचा पाएगी? क्या वो इस तूफान में अपने बिखरते हुए रिश्ते नातों को संजो के रख पाएगी? लेकिन जब खुद की हिम्मत टूटने लगे तो कोई ऐसी विपरीत परिस्थितियों से कैसे लड़े? बोलेगा हाँ मैंने लड़के को नहीं मारा साहब, बॉडी को तूने ही टेम्पो में डाला था। नहीं साहब। अगर तूने नहीं डाला तो किसने डाला? मैं भी इस बात से हैरान हूँ कि उस लड़की की बॉडी मेरे टेम्पो में कैसे आई साहब। टेम्पो कहाँ से लोड किया था? नाग वाली मंडी है ना, वाहन नाके पे से। उस वक्त तो गोनी तेरे टेम्पो में थी? नहीं साहब, जब हम टेम्पो में माल लोड करते ना तभी गोनी चेक करके डालते है साहब। बीच में कहीं रुका था? हाँ साहब। कहाँ पर? खाना खाने के लिए ढाबे पर रुका था साहब। यही है वो जिसने तुष्टि की बॉडी को टेम्पो में फेंका था। लेकिन सर इसने तो चेहरे पर रुमाल बांध रखा है और टोपी भी पहन रखी है। राइट, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता है यहाँ सीसीटीवी लगे हैं और हम फुटेज चेक करेंगे। बहुत ही स्मार्ट प्लेयर है, हमेशा हमसे दो कदम आगे। ये जो कोई भी है इस तुष्टि के घर की ज्योग्राफी को अच्छी तरह से जानता है। पहले मिष्टि का मर्डर हो जाता है, उसको मोलेस्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन उसका रेप नहीं होता है, फिर बाद में तुष्टि गायब हो जाती है और फिर तुष्टि की लाश जो है घर से दूर ट्रक में किसी ढाबे के पास मिलती है। कोई एक कड़ी तो है जो इन सब कड़ियों को जोड़ सकती है। एक काम करो राजदीप, जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, आस पड़ोस के लोग हैं, पुराने नौकर चाकर, प्रोफेशनल दोस्त दुश्मन, सब इन सब की एक लिस्ट निकाल, उन सबसे पूछताछ कर। दरिया में खसखस ढूंढने वाली बात है। तुम कुछ जानते हो इस बारे में? तो दोनों बच्चे बाहर आइसक्रीम खाने गए हुए थे तो वहां पर उन लोगों ने मर्डर देखा तो बहुत डर हुआ है उन्हें। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा पूछताछ करेंगे। सर इस घर में काम करने वाली मेड ने बताया कि रोनी और तुष्टि ने एक मर्डर होते देखा था। तब से रोनी बहुत डरा भी हुआ है सर, घर वालों ने ये बात हमसे छिपा करके रखी है सर। बच्चों ने कौन सा मर्डर देखा? सर रविंद्र गार्डन के पास वाला। रविंद्र गार्डन में जो मर्डर हुआ था उसे तुष्टि और रोनी ने अपनी आंखों से देखा, ये बात आपने हमें बताई क्यों? रोनी ने जब से उस मर्डर को देखा था वो बहुत डर गया था, कई बार तो वो रात में चीखता चिल्लाता भी था। रोनी से मिल सकता है? सर रोनी की हालत बहुत खराब है, ना वो कुछ खा पी रहा है ना किसी से बात कर रहा है, बस एक कोने में देखता रहता है। वैसे रविंद्र गार्डन में जो मर्डर हुआ था
हो सकता है वो मर्डर्स अपने गवाह को खत्म करने के लिए उन्होंने तुष्टि का मर्डर किया। अगर ये बात सही है तो रॉनी उनका अगला टारगेट हो सकता है। आप लोग चौकन्ने रहिएगा। वैसे हम लोग ने आसपास जो है पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। एक और बात, उस दिन रॉनी कह रहा था कि एक लड़की डॉली उन लोगों के साथ खेलने आई थी, लेकिन तुष्टि ने मना कर दिया था। क्या हम उस लड़की से बातचीत कर सकते हैं? सर यही टाइम है डॉली के घर आने का, बस आती होगी। आगे डॉली बेटा। अरे अंकल, अंकल, अरे अंकल, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ बेटा, आप कैसे हो? ये कौन है? बेटा ये मेरे दोस्त हैं। हेलो। हाय अंकल, आपकी स्माइल ना मेरे जो कहानी नहीं है स्टोरी उसके प्रिंस के जैसा है। और आप भी ना बहुत स्वीट हो। रसगुल्ला जैसे? बिल्कुल रसगुल्ला जैसे। आप मेरी कहानी सुनोगे? हाँ बिल्कुल सुनेंगे। एक जंगल था बहुत बड़ा, वहाँ पे एक बहुत बड़ा महल था। महल में ना राजा था, उसके पास इतनी बड़ी तलवार थी। हाँ, और उसने ना वो जंगल में जाके पेड़ को काट के ना उसने बहुत बड़ी महल बनाई उसने। और फिर ना उसके पास ना एक प्रिंस थी, एक प्रिंसेस ओके प्रिंसेस थी, बहुत प्यारी थी वो। तुष्टि और प्रिंस ना बहुत बड़ा था। अच्छा, वो ब्यूटी एंड द बीस्ट। ओ ब्यूटी एंड द बीस्ट जैसे। तो तुम बीस्ट को जानती हो? हाँ, ये रहा ना मेरे गोदी में। अच्छा एक बात बताओ, तुष्टि तो तुम्हारी फ्रेंड है। हाँ? तो तुम जब खेलने आई थी उसके साथ, हाँ? तो उसने मना क्यों कर दिया तुमसे खेलने? क्योंकि वो मुझे ना बैड गर्ल बोलती है और मैं बैड गर्ल नहीं हूँ। मम्मी ने कहा आई एम नॉट बैड गर्ल। अच्छा मैं जाती हूँ, ठीक है, बाय बाय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। हेलो सर, बीजन और उसके साथियों को पकड़ लिया है। सर मैंने मिश्री का मर्डर नहीं किया है और नहीं तुष्टि का। अगर नहीं मारा तो मैं भागा क्यों वहां से? भागा ना वहां से। जब मिश्री का मर्डर और मोलेस्टेशन हुआ तभी मैं समझ गया था कि आप मुझ तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि उसके पहले मैंने मिश्री के कुछ गलत हरकत की थी। सर मैं बहुत डर गया था इसलिए भागा। जब तक ये सच ना बोले ना अच्छी तरह से खातिरदारी करो। सर मैंने अमित के बैंक अकाउंट चेक किया, एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। अमित ने दो महीने पहले ही अपने चार बच्चों के नाम 25-25 लाख का इंश्योरेंस लिया है। अच्छा। यस सर। एक और बात, अमित के साथ कई लड़कियों के रिश्ते रह चुके, उनमें से खास है नैना। ये नैना है तो अमित की वाइफ की बेस्ट फ्रेंड, लेकिन इन दिनों अमित की खास बन गई है। लगता है अमित और नैना से मिलना पड़ेगा। आपने ठीक कहा सर। नैना के साथ एग्जैक्टली आपका क्या रिश्ता है? तो आपको नैना और मेरे रिश्ते के बारे में पता चल चुका है। मेरे पति आदमी अच्छे हैं लेकिन मर्द कमजोर है। मुझे चाहिए था कि कोई मेरी केयर करे और तब मेरी मुलाकात अमित जी से हुई। मुझे ऐसा लगा कि मेरी तलाश पूरी हो गई है, साथ ही मुझे गिल्ट भी था, सुदीपा के लिए गिल्ट फील होता था। अपना वाइफ ये सब जानते हो? सर मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसे पता है या नहीं पता है। वो अपने कुकिंग के वीडियोस बनाए और उसमें खुश रहे। मेरे बहुत सारे अफेयर्स हैं, उनमें से नैना भी एक है। अमित की बातों से कभी ऐसा लगा आपको कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अलावा वो कोई संगीन जुर्म भी कर सकता है? वो रोमांटिक जरूर है लेकिन वो अपने बच्चों को नहीं मार सकते। अमित जी आपने अपने बच्चों के लिए इतनी महंगी पॉलिसीज ली, आप पे लाखों का कर्जा है, साथ ही आपकी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड के साथ आपका अफेयर चल रहा है और अब एक के बाद एक आपकी दोनों बेटियों की मौत हो जाती है। अमित जी इतना सब कुछ कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। अगर आपके पास कोई सबूत है या चश्मदीद गवाह है तो लेकर आइए, बात करते हैं। चलता हूँ। नमस्कार। घृणा रही मुझे अपने आप से, मेरा हस्बैंड मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। मैं तो कह भी नहीं पा रही हूँ, मेरी नाक के नीचे इतना सब कुछ चल रहा था और मुझे कुछ भी पता नहीं चला। लेकिन तुम लोगों को जो करना था तुम लोगों ने कर लिया और आगे भी तुम लोग जो करना चाहते हो कर सकते हो, क्योंकि अब तुम दोनों का मेरी जिंदगी में कोई अस्तित्व ही नहीं है। मैं जा रही हूँ टीटू और रॉनी को अपने साथ लेकर। सुदीपा ये क्या कह रही हो तुम? कहाँ जाओगी और कहाँ रहोगी? मेरे घर। सुदीपा की बहन अभी जिंदा है। हम दोनों के बीच चाहे कितने ही मनमुटाव क्यों ना हो, चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो जाए, हमने रिश्तों में कभी धोखेबाजी नहीं की।
बेटा ऐसे नहीं करते, खाना खाना पड़ता है ना। मुझे भूख नहीं है। मुझे भी भूख नहीं है, मुझे भी नहीं खाना। टीटू बात तो सुन। टीटू सुधी, मिष्टी और तुष्टि को दोनों भाई बहुत मिस कर रहे हैं, और वैसे भी कई दिनों से इस घर में ऐसा कुछ नहीं बना जो उन्हें पसंद। अगर उनका मूड ठीक करना है ना, तो हम उनके लिए कुछ बाहर से मंगाते हैं। जो करना है करो दीदी, मुझे इन बच्चों के मुरझाए चेहरे देखे नहीं जा रहे। सुदीपा ले आ बच्चों को, पिज्जा आ गया। दीदी टीटू तो सो गया, लेकिन रॉनी खाएगा है ना। पिज्जा सॉरी, हम रोनी को बचा नहीं पाए। मैम आई एम सॉरी फॉर यू, लेकिन मैम हमें अपनी इंक्वायरी करनी होगी। आप प्लीज हमें बता सकती हैं कि रोनी ने क्या खाया था? होटल से पिज्जा मंगवाया था, बस वो ही खाया था उसने। ये पिज्जा घर में और किसी ने खाया था? नहीं, घर में शोक चल रहा है ना, हम ये पिज्जा तो टीटू को भी खिलाने वाले थे, पर वो पहले ही सो गए। राजदीप ये पिज्जा जिस दुकान से आया था उसके ओनर को बुला के लेके आओ, और वो बचे हुए पिज्जा को फोरेंसिक जांच के लिए भेजो। हाँ दादा, रूपा जी ने हमारे यहाँ से ही पिज्जा ऑर्डर किया था, हमने ताड़ी भेज दिया था, और हमारे यहाँ तो हाइजीन का बहुत अच्छे तरीका से ख्याल रखा जाता है। मतलब अगर हमारे यहाँ से भेजा हुआ पिज्जा में कोई भी खराबी होता तो बाकी का कस्टमर से भी कंप्लेन आता था ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अच्छा एक बात बताइए। जी सर। उस दिन डिलीवरी बॉय कौन था? रमेश, रूपा जी के घर में रमेश पिज्जा डिलीवरी देने गया था, लेकिन दादा वो डिलीवरी करके रिटर्न नहीं दिखा रहा इधर, मतलब वो डिलीवरी करके वापस नहीं आया, और उसका मोबाइल भी कंटिन्यू स्विच ऑफ है क्योंकि एप्लीकेशन से वो एग्जिट है। रमेश की फोटो को अपने खबरों में सर्कुलेट करो, रमेश का गायब होना और रोनी की मौत, ये कोई कोइंसिडेंस हो नहीं सकता। सुदीपा के घर से बच्चों को उठा लेने की धमकी देने वाले यासिर को हमने अरेस्ट कर लिया सर, 12 साल में छिपा बैठा था। बहुत मोटी चमड़ी का है, इतना पिट रहा है फिर भी कुछ नहीं बोल रहा है। कैसे नहीं बोलेगा, चल देख यार, ये सिर्फ शुरुआत है। सच सच बता, तूने सुदीपा के 3 बच्चों को मारा है ना? कैसे मारा, किस हथियार से मारा? सच सच बता, देख सच सच बता। मैंने किसे मारा पर ग्राउंड देंगे। वे ये सच है कि मैं अमित से मिलने गया था और उसके बच्चों को उठा ले जाने की धमकी भी दी थी, लेकिन अम्मी कसम साहब, मैंने किसी बच्चे को नहीं मारा। जब मिष्टी की मौत की खबर मिली तो मैं डर गया, मैं सोचा कि कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम था वो सबसे पहले मेरे को ही उठाएंगे। मैं एक छोटा मोटा धंधा करता हूँ साहब, मेरे पैसे थे अमित के पास। सर तो? उस गायब डिलीवरी बॉय की लास्ट लोकेशन मिल गई। बस बस ये डिलीवरी बॉय का लास्ट लोकेशन। पर ये तो रूपा के घर के बिल्कुल पास की लोकेशन है। राजदीप ये केस और भी उलझता जा रहा है। आसपास देखो कोई सीसीटीवी कैमरा, उसकी फुटेज चाहिए मुझे।
यही है वो जिसने डिलीवरी बॉय को मारा, पार्सल लिया और रूपा के घर पर ड्रॉप कर दिया। आखिर ये है कौन? दीदी, इस शहर ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। पहले मेरा पति, फिर मेरे तीनों बच्चे, अब सिर्फ टीटू है मेरे पास। दीदी, मैं टीटू के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहती। इस शहर में मेरा दम घुटता है। मैं एक पल के लिए भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती। इसीलिए मैं टीटू के साथ इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए सिलीगुड़ी जा रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ, और शायद तुम्हारे लिए यही ठीक होगा। सर, हम अमित का फोन ट्रैक कर रहे थे तो एक नई बात पता चली, लेटेस्ट कॉल रिकॉर्ड। जहां पर डिलीवरी बॉय की मौत हुई थी वहीं पास में जो है रूपा का घर भी है, और बीच में नैना का भी फोन आता है। जिस बात का डर है वही होने वाला है। अमित और नैना को लेके आओ। लेकिन अमित का फोन तो बंद आ रहा है, घर पे भी ताला लगा हुआ है। Then get Naina, quick. Sir, नैना को था, नैना के डाकू। सर वो घर पे नहीं है। सर कहाँ गई है वो? सर पता नहीं, क्या हो गया सर? घर से निकलने से पहले नैना को किसी का कॉल आया था, उसकी बातों से आपको कुछ तो पता चला होगा। मेरी बीवी को उसके यार अमित का कॉल आया था, उसी के साथ गई होगी, फोन भी स्विच ऑफ करके बैठी है। अमित ने भी फोन बंद करके रखा है, अगर जरूरत पड़ी तो हम पूछताछ करने दोबारा आएंगे। सर ये अमित और नैना दोनों गायब है, दोनों के फोन बंद है। अमित रूपा के घर से निकल के नैना के घर की तरफ जाता है, फिर अमित और नैना दोनों मिलकर जो है डायमंड हार्बर की तरफ जाते हैं। डायमंड हार्बर वो जगह है जहां पर बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है और बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, तो हो सकता है दोनों के दोनों मिलकर जो है कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि वहां पर जाके उनका मोबाइल फोन स्विच ऑफ हो जाता है। इससे पहले वो किसी जुर्म को अंजाम दें हमें उन्हें रोकना होगा। एक काम करो, हमारे जितने भी खबरें हैं उन्हें डायमंड हार्बर में एक्टिवेट करो और पूरे डायमंड हार्बर को अच्छी तरह से छान करो। मुझे डर है जिस तरह से खून के सिलसिले चल रहे हैं कहीं सुदीपा का चौथा बेटा उसे टारगेट न बनाया जाए। खबर मिली है, रॉबिन गार्डन पे मर्डर करने वाला दीप, जिसे तुष्टि और रोनी ने मर्डर करते देखा था, वो मर्डर के तुरंत बाद चुपके से बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश चला गया। तो उसका इन बच्चों के मर्डर्स के साथ कुछ लेना देना नहीं है? तो आखिर ये मर्डर है कौन और मर्डर किया क्यों? सर आपके ऑर्डर के अनुसार हमने घर पे सभी मेंबर्स के मोबाइल्स चेक किया, डेटा खंगाले, लेकिन घर के सबसे छोटे बच्चे टीटू के मोबाइल रिकॉर्ड्स पर हमने ध्यान ही नहीं दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट लीड हमें उसी के मोबाइल से मिली। क्या? हाँ सर, इस मोबाइल से सिर्फ एक ही नंबर पर बात होती थी जो कि डायमंड हार्बर एरिया में रजिस्टर्ड है। एड्रेस तो सही है लेकिन नेम फेक है। और ये वही डायमंड एरिया है जहाँ पर अमित अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर गया है? हाँ सर, वो डायमंड हार्बर एरिया में रजिस्टर्ड फोन नंबर मिश्टी, तुष्टि और रॉनी, इन तीनों के क्राइम सीन पर और क्राइम के टाइम पर लोकेट हुआ है। और सर ये नंबर वेलकम धाबा पर भी लोकेट हुआ है जब तुष्टि की बॉडी को टेम्पो में डाली गई थी। सुदीपा को सावधान किया? हाँ सर, हमने कॉल किया था लेकिन वो सिलीगुड़ी के लिए निकल चुकी थी। उनकी बड़ी बहन ने कहा कि इन दिनों उनका मन कोलकाता में नहीं लग रहा था और सबसे छोटे बच्चे को लेकर भी वो बहुत परेशान रहती थी। उस मर्डर का मोबाइल अभी करंटली कहाँ लोकेट हुआ है? सर एक मिनट, चेक करना होगा। हाँ सर, करंटली सिलीगुड़ी जाने वाले हाईवे के पास है। लेट्स गो सर। जो करना जल्दी करो, अगर सो करोगे ना तो मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यार इतने छोटे बच्चे को मारना है, थोड़ी हिम्मत तो बढ़ाने दो। जल्दी करो। हथियार नीचे, नीचे हथियार, चलो। बच्चे से दूर हट, चेक करो बच्चा ठीक है कि नहीं। सर बच्चा ठीक है। सोच भी नहीं सकता था कि माँ ऐसी हरकत कर सकती है। मेरा पति और उसकी गर्लफ्रेंड का
वो जिंदा है, जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाओ। सर, सुनील से मैं कॉलेज के समय से प्यार करती हूँ। एक बार कुछ सड़क छाप लड़कों ने मुझे छेड़ा था, सुनील को बहुत गुस्सा आया तो सुनील ने उन लड़कों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, लेकिन बदकिस्मती से उनमें से एक लड़का मर गया जिसकी वजह से सुनील को 12 साल की जेल हो गई। इस बीच माँ बाबा ने मेरी शादी अमित के साथ करा दी, लेकिन सुनील जैसे ही जेल से छूटा वो मुझसे मिलने आया। सुनील को देखकर मुझे उससे मिलने की इच्छा और बढ़ गई, और इसी बीच मुझे पता चला कि अमित का बाहर और बहुत सारी लड़कियों के साथ अफेयर चल रहा है। जब मुझे ये बात पता चली तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मुझे बस सुनील के साथ रहना था। लेकिन एक बार मिष्टी ने मुझे और सुनील को एक साथ देख लिया, और मिष्टी ने मुझे चेतावनी दी कि मैं सुनील से ना मिलूं। मुझे डर था कि वो कहीं अमित के सामने हमारी पोल ना खोल दे। इसी बीच मिष्टी के साथ वो वीडियो रिकॉर्डिंग वाली घटना घटी, हमने मौके का फ़ायदा उठाया और मिष्टी को मार दिया। मिष्टी की माँ होने के बावजूद भी मुझे उसे मारने का ज़रा भी दुख नहीं था। फिर हमने सोचा कि अगर एक एक करके हम सारे बच्चों को मार देते हैं और ब्लेम अमित पे चला जाता है तो मैं शादी से फ्री हो जाऊंगी। पता नहीं कहाँ से नैना को सुनील के कोलकाता में होने की खबर लग गई, और वो अमित को लेकर सुनील के पास डायमंड हार्बर आ गए। सुनील ने किसी तरह से उन्हें बेहोश किया। हमारा प्लान था कि हम दोनों को गाड़ी की टिक्की में भरेंगे और हाईवे के पास वाले जंगल में उन्हें मारकर उनकी बॉडी वहीं कहीं ठिकाने लगा देंगे, और टीटू को भी वहीं मारकर फेंक देंगे। मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे, लेकिन माँ का ऐसा कोई घिनौना रूप नहीं देखा मैं। माँ और ममता के नाम पर कलंक तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों को कम से कम फांसी की सजा जरूर। जो हुआ उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा ना, एक माँ अपना प्यार पाने के लिए अपने बच्चों को एक के बाद एक मार कैसे सकती है? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि ये हुआ है। इंसान के अंदर सत और असत का संघर्ष हमेशा चलता रहता है। हमारे अंदर का रॉ एनिमल इंस्टिंक्ट यानी स्वाभाविक पशु प्रवृत्ति और संस्कार परंपरा के बीच की लड़ाई हमेशा जारी रहती है। सुदीपा और अमित के मन में भी यही चल रहा था। वो अपने एनिमल इंस्टिंक्ट से हार गए और उनके तीन बच्चे, उनकी जान चली गई। जब इंसान अकेला होता है तो इसके परिणाम भी सीमित होते हैं, लेकिन जब इंसान शादी करके बच्चे पैदा करके अपनी पशु प्रवृत्ति से हारता है तो परिणाम बहुत भयंकर होते हैं। आज की कहानी से सीखने को ये मिलता है कि इंसान को हर गलत मोड़ पर रुकने का मौका मिलता है, बशर्ते वो सतर्क रहे। जैसे एक मौका सुदीपा को मिला था जब वो जेल से छूटकर नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, तब उसे अपने पुराने प्रेमी सुनील से बच के उससे दूर रह के आगे होने वाली तबाही को रोकना चाहिए था। ऐसा ही मौका अमित को भी मिला था जब गुंडे उसके घर में घुसकर कर्जा वसूलने के लिए उसे धमका रहे थे। वो अपनी बुरी आदतों को छोड़ के अपने परिवार को बिखरने से बचा सकता था। तो आप सही समय पर सही निर्णय लें, इस आशा के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दहिया लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों के साथ। आप देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।